अब मेरी गुजारिश है कि राजा परवेज अशरफ साहब को पूरा मौका दें कि अपनी बात मुकम्मल करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सीनियर हैं हमारे, सीनियर हैं हमारे, आप बैठ जाए, आपको मौका है जी, करें आप बात जी, बात करें जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बजट का ये बड़ा ही संजीदा तरीन मरहला है, बड़ा अहम मरहला है, जिस पर मैं समझता हूँ कि फाजिल मेम्बरान ने उस पर उन्होंने बात की। यकीनन जब हुकूमती मेम्बरान खड़े होते हैं तो उनको सब अच्छा नज़र आएगा। अपोजिशन जो है उसका ये हक होता है कि वो अवाम के सामने हकीकत को रखे और उसको एक तनकीदी जायज़ा जो है वो बजट का पूरी कौम के सामने आना चाहिए, और ये एक तरीकाकार है पार्लियामान का। इसमें मैं तो समझता हूँ ना तो हमें कोई इसको इस माहौल को ख़राब करना चाहिए, बल्कि बड़े हौसले के साथ एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तो वो जो है कि एक बहस तो जो हम यहाँ करते हैं, मैं कहूँगा कि ये बजट बहुत गरीब का दुश्मन है और गरीब कुश है, गरीब के लिए कुछ नहीं और नुकसानदेह है। जब कोई हुकूमती मेंबर या वजीर खड़ा होगा तो वो कहेगा कि इससे बेहतर बजट मौजूदा हालात में पेश नहीं किया जा सकता। एक बहस यहाँ है इस फाजिल ईवान के अंदर और एक बहस पाकिस्तान के गली कूचों में, पाकिस्तान के शहरी जो है इस बजट को कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान का किसान कैसे देख रहा है, पाकिस्तान का गरीब कैसे देख रहा है, पाकिस्तान का मजदूर कैसे देख रहा है, वो शख्स क्या और फिक्रमंद है। इसीलिए एक आम शहरी जो है वो अपने घर के बजट के लिए फिक्रमंद। हमें उस तनाजुर में इस बजट को देखना चाहिए, यहां पॉइंट स्कोरिंग के बजाय हमें पूरे, मैं समझता हूं कि संजीदगी के साथ इस बात को देखना चाहिए कि आज पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है उस पर इस बजट के क्या असरात मुरतब होंगे। ये एक संजीदा मसला है। ये लफाजी या एदाद शुमार के गोरख धंधे अपनी तरफ, ये तो कई बजट हमने देखे उसमें इसी तरह ही होता है, बजट पेश किया जाता है, उसको डिफेंड किया जाता है, उस पर तनकीद होती है। लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जनाब स्पीकर जिसकी तरफ मैं आप की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और इस फाजिल हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखें, एक गरीब या एक मिडिल क्लास का शख्स या एक अमीर आदमी, तीनों के अलहदा अलहदा हालात ज़िंदगी। सबसे पहले जिस चीज़ को देखा जाता है, कोई हुकूमत देखती है, वो देखती है कि जो गरीब लोग हैं उन पर महंगाई बेरोज़गारी के असरात किस तरह कम किए जाएं या किस तरह उनको इस महंगाई से बचाया जाए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बजट में क्या वो एक नुक्ता है जो जाकर किसी गरीब को बाहर बताया जा सकता है कि तुम्हारे लिए हमने ये किया है। एक आम जरूरी अशिया, खाने पीने की अशिया से लेकर जरूरियात की हर चीज को हमने महंगा तरीन कर दी, और उसके ऊपर जुल्म यह है कि हम तवातर से यह कहते जा रहे हैं कि इससे बेहतरीन बजट किसी हुकूमत ने पेश नहीं किया और हम इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप सिर्फ 10 माह की कीमतों का मुआवजना कर लें कि 10 महीने पहले क्या कीमतें थी, पेट्रोल की क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है, तेल की क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है, सब्जी की क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है, दालों की क्या कीमत थी जो आज क्या कीमत है, और हमने उस बंदे की जो आमदन है उसमें क्या इजाफा करने की क्या काविश की, क्या हमने कोशिश की, तो जवाब नफी में आएगा। हाय, आप कितना ऊंचा चीखकर इस बजट को डिफेंड कर लें या कितना ही ऊंचा चीखकर हम जो है उसकी मुखालफत कर लें, लेकिन हकीकत ना आप बदल सकते हैं ना आपसे बदली जाएगी। हकीकत यह है जनाबे वाला कि ये बजट जो है ये पाकिस्तान के लोगों को के लिए बड़ी तकलीफ दे है। और अगर मैं ये कहूं कि आपने पाकिस्तान के गरीब को मार कर रख दिया है तो मैं समझता हूं ये गलत नहीं होगा, जिंदा दरगोर कर दिया है। चले मैं आपका लफ्ज ले लेता हूं जनाबे स्पीकर।
تواتر سے ہم ایک بات سنتے آئے کہ جناب والا کہ پچھلی حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا. جو یہ ایک ہے بات, ہر حکومت کسی نہ کسی طور پر یہ بات ضرور کرتی ہے, لیکن ایک خاص وقت کے بعد وہ خود اپنے کیے کی ذمہ دار ہوتی ہے. آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے کہا ہو کہ پچھلی حکومت بہت اچھی تھی. نہ سیاست میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا مخالف بہت اچھا تھا اور اس نے بہت اچھے کام کیے. اگر اس پر نظر بھی آ رہے ہیں تو وہ نہیں کہہ سکتا. یہ ایک طریقہ کار ہے ہمارا بدقسمتی سے. تو آج کسی نے بڑا اچھا لکھا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت 1947 میں آتی تو یہ کہتے کہ انگریز نے اتنا برا کر کے گئے ہیں, کیا بتائیں ہم کیا کریں. جناب سپیکر, ہر شخص نے قرضوں کی بات کی. ہم کہتے ہیں کہ آپ قرضے زیادہ لے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں قرضے بہت زیادہ لیے گئے. آپ نے کمیشن مقرر کر دیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم اپنے اس نظام کو کتنا بے توقیر کرنے جا رہے ہیں, اپنے پارلیمان کو کتنا ہم بے عزت کرنے کی ٹھان رکھی ہم سب نے اپنے دل میں. کیوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرضے جو آئے تھے اور وہ صحیح استعمال نہیں ہو, اس ایوان سے ایک کمیٹی تشکیل دیں اور جو اس چیز کا جو ہے وہ دیکھے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ کل آپ نے ایکنک آپ کا کدھر گیا, آپ کی پارلیمنٹس کدھر گئی, آپ کی کیبنٹ کدھر گئی. تو یہ تو آپ خود ہی اپنے آپ کو بے توقیر اور بے عزت کرنے پر اگر تل گئے ہیں تو پھر تو لوگ کہیں گے کہ کل کوئی تھانے دار کو کہیں کہ جائیں بھائی پتہ کریں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا تھا, تو ساری کیبنٹ کو اور ساری حکومت کو اس وقت کے سارے بیوروکریٹ کو. تو یہ ملک آگے کیسے جائے گا؟ ہم کن گورکھ دھندوں میں, کن بھول بھلائیوں میں اپنے پوری قوم کو ڈال رہے ہیں؟ ہم آگے کا تو سوچ ہی نہیں رہے. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلی حکومتوں نے یہ کیا, چلو پیچھے کی طرف منہ کر کے چلو اور یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا. کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ آگے دیکھیں؟ جناب اسپیکر, میں جو بھی بات آپ کرتے ہیں وہ گھوم گھما کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی. اسی جگہ پر, اسی ایوان پہ, اسی شہر میں آج کے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے, میں ان کو سلیکٹڈ بالکل نہیں کہوں گا اور نہیں کہنا چاہیے کسی بھی پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ, بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایماندار شخص آ گیا تو یہ قوم بھاگ پڑے گی پیسے لے کے, یہ ٹیکس لے لے. یہ میں پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ لیڈرشپ آنیسٹ ہو. اور ریڈی والا بھی بھاگے گا, انڈسٹریلسٹ بھی بھاگے گا, زراعت والا بھی بھاگے گا, دکاندار بھی بھاگے گا, غریب بھی بھاگے گا, امیر بھی بھاگے گا. تو جناب آپ تو وزیراعظم بن گئے تو میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آج کوئی نہیں بھاگا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو اگر آپ کے خیال میں چور تھے تو ہمیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے, تو آپ کو تو جتنا ٹیکس وہ ہمیں دیتے تھے اس سے بھی کم ٹیکس دے رہے ہیں, تو پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ آپ بتائیں. جناب اسپیکر, ایک دلچسپ معیشت دانوں کے لیے کہ کہتے ہیں جی کہ سارا پیسہ تو ہم ڈیٹ سروسنگ میں دے دیتے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ پیسہ بچتا ہی نہیں, اتنا قرض انہوں نے چھوڑا ہے ملک پر. جناب والا, آپ 12-13 کا بجٹ دیکھ لیں, جناب والا 11-12 کا دیکھ لیں, 13-14 کا دیکھ لیں, 15 کا دیکھ لیں, 16 کا دیکھ لیں, اور آپ دیکھیں گے کہ 5.1% آف دی جی ڈی پی یہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ. 5.1, منسٹر صاحب سن رہے ہیں کہ 5.1% آف دی جی ڈی پی, اور آج آپ کی کتنی ہے؟ 5.1 آف دی جی ڈی پی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ گالی گلوچ, یہ طوفان بدتمیزی, یہ سارا ملک آپ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے, آپ کون سا کمال کر رہے ہیں, کون سا تیر مار رہے ہیں؟ ہم بھی فائیو یہ دنیا کو بتا جا رہا ہے کہ پاکستان جب آپ کو ملا کے اور آپ اس ملک کا نظام سنبھالنے جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں, آپ ملک کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں.
आपने जो बहस छेड़ दी है, ये जो आग लगाई है, ये आप तक पहुंच चुकी है। आपके अल्फाज खड़े हो जाते हैं हर रोज आपके सामने। आप कहते थे जब मैं आऊंगा आप देखेंगे कि दूसरे मुल्कों से लोग यहां नौकरी करने आएंगे। आपने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, आपने गरीब से उसका नवाला छीन लिया। वो घर में बैठे हुए नौजवान जो आपके, जिनको झूठ बोलकर आपने पीछे लगाया था कि जवानों पाकिस्तानियों फिक्र मत करो, जब मैं आऊंगा तुम्हें मैं इतने जॉब दे दूंगा, आपको नौकरियां मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, 1 करोड़ जॉब मिलेगा, 1 करोड़। तो क्या 10 महीने में कितने बनते हैं, कोई कैलकुलेट करके बताएं? -1 करोड़। 11 लाख। सही। 18 लाख में से क्या कोई वजीर उठ के बता सकता है कि 10 महीने में क्या 18 लाख नौकरियों मिली? जी जनाब स्पीकर, हम कब तक इन लफ्जों से खेलते रहेंगे, कब तक इन एदाद व शुमार से खेलते रहेंगे, कब तक हम इन वादों से खेलते रहेंगे? और गरीब हमारी तरफ देखता रहेगा कि ये पाकिस्तान का ईवान बजट बना रहा है, शायद मेरे लिए कुछ बहुत खुशखबरी हो। नहीं जनाब स्पीकर, ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं। जुमे की नमाज का टाइम है, मैं आखिरी एक सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, मैं खत्म करने लगा, वजू भी करनी है। मैं आखिरी 2 मिनट के लिए जनाब, जनाबे वाला मुझे ये बताया जाए कि यहां अकाउंटेबिलिटी का भी बड़ा शोर मचाया गया और यहां किसी फाजिल मेंबर ने कहा अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। बहुत अच्छी बात, जरूर करें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन पहले अपने घर से शुरू करें। बहुत शुक्रिया। आप नहीं जनाब सुने, नमाज का टाइम है, फिर मैं बंद कर दूंगा। नहीं आपने सबको टाइम दिया तो 15 मिनट है, 15 मिनट आप देखेंगे। अच्छा चले, मैं और यहाँ पे 1 बजे की जुमे की नमाज, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नमाज तो जो है ना वो जुमे की नमाज पे वैसे ही जनाबे अजान के बाद हुक्म है कि आप कारोबार भी बंद कर दें। ये हुकूमत आनी जानी है, हुकूमत आती है चली जाती है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे फाजिल मेंबरान जो उस वक्त बैठे हैं, तकरीबन सारी ही हुकूमतों के वो भी मेंबर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो उन्हीं सीटों पर बैठे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हुकूमतें कुछ असूलों पर चलती हैं। सही जी। जनाब स्पीकर, जब हमारी हुकूमत थी तो मैं फखर से यह कह सकता हूं कि जब हमने डेवलपमेंट फंड दिए तो अक्रॉस द पार्टी डिवाइड दी, हर शख्स को हमने, क्योंकि वो पाकिस्तान का फंड है, वो पाकिस्तान के अवाम का फंड है। और हम खाए अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, हम अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। तो यहीं पता चल जाएगा, मुझे बताया जाए कि इस और इस हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए कौन सी मंसूबा बंदी की है और कौन सा इंसाफ करने जा रहे हैं। नमाज पढ़ दी है, इसलिए नमाज जुमा के लिए 2 बजे तक इजलास